₹9 ट्रेड हो गए। नो ट्रेड आपसे करा लेगी मतलब टर्नओवर हो गया 2 से 3 करोड़, तो टैक्सेस आपके अकाउंट को 30 दिन के अंदर आधा कर देंगे। तो अगर आपको निफ्टी में पैसा कमाना था तो मैं बोलूं कि 50 पॉइंट अगर हफ्ते में एक बार मिलते हैं और वो बच जाते हैं तो वो 3,500 रुपया, 3,350 होता है पर 3,500 रुपया, 3 से 4 बार का अगर पकड़ो तो 12 से 15 हजार रुपये, आपका मार्जिन जो लग रहा है वो 50-60 हजार रुपये में निफ्टी NRML मिल जाती है। और MIS की अगर बात करो सो देट इज 20,000, 25,000, 30,000 समवेयर, अलग अलग ब्रोकर आपको ऑफर कर रहे हैं इंट्राडे के लिए 20-25 हजार में भी निफ्टी मिल जाती है। तो आपका कैपिटल लैंग्वेज कितना हो रहा है, 60,000 रुपये पे अगर मैं 12,000 रुपये कमा रहा हूं तो महीने का 20%, साल का 240%। जब मैं गिना रहा हूं तो आपके मन में आ रहा सर कि आप सब गिना रहे हो ये तो ठीक है लेकिन होता कहाँ है, कि हम होने कहाँ देते हैं। अगर मैं अपने नंबर ऑफ ट्रेड कम कर लूंगा तो इम्पल्सिव नहीं बनूंगा ना। हम इम्पल्सिव कब होते हैं, जब हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप दिन भर में 6 ट्रेड कर रहे हो तब मैं आपको बताऊं कि ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, आप कहोगे हाँ हाँ याद है याद है याद है। 4 ट्रेड तक याद रहेगा आपको, जहां उलझे 5वें 6वें में आप क्या करोगे आपको भी नहीं मालूम। ओवर ट्रेडिंग इज द रियल प्रॉब्लम है ना। हमको क्या करना है, जहां सही ब्रेकआउट हो वहां पे मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो, इसकी हम आदत डालें, ठीक है। और उसमें भी फॉल्स ब्रेकआउट कभी हो सकता है तो फॉल्स ब्रेकआउट में आपको क्या करना है, एग्जिट सीधे। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब ये 12,150 से इसने लेवल तोड़ा और ये 12,140 गया, 135 गया, वापस वहां से 45-50 होने लगा, मैंने बेचा, मेरा 5-6 पॉइंट और मेरे जेब से लग गया, निकल जाओ, एग्जिट कर लो। फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने की कोई विशेष कला की जरूरत नहीं है, जैसे ही वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है और वापस उधर ही आ जाए आपको निकल जाना है बस। इसके लिए कोई साइंस कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। अब आपका सवाल ये है कि सर वो ऐसे में निकल तो गया एक आध बार, लेकिन जैसे ही मैं निकला वो फिर उधर जाने लगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, 135 का लो बनाया ना उसने नया, वहां पे फिर से एक बार सेलिंग लगा के रख दो, एक सेलिंग, फिर से ऐसा नहीं जहां खड़ा है वहीं अंदाजे में नहीं लो पे लगाया है। अगर ये धोखा दे के ऊपर जाने वाला है तो लो तो नहीं तोड़ रहा, और अब की बार अगर लो तोड़ेगा तो चांसेस है कि आपको कम से कम 20-30 पॉइंट तो देके जाएगा। मतलब आपका जो 5-6 पॉइंट गया है उसकी रिकवरी तो कम से कम 2-3 गुना देके जाएगा। ये तो मैं नॉर्मल और बुरा केस बता रहा हूं, अगर ठीक ठाक रहा मामला तो सीधा 50 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए। अंदाजे में आपको ट्रेड नहीं करना, अंदाजे में ट्रेड करने में हम गलत कर जाते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट में अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा लगा के आप जैसे यहाँ पे है आपको लग रहा है कि यार निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी, आप यहाँ खरीद के बैठ गए, क्योंकि देखो यहाँ पे जब तेजी आती है तो हमारे अंदर होता है कि रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस मतलब जब पूरे चैनल वाले चिल्ला रहे हैं कि 13,000 निफ्टी आने वाली है आने वाली है, तो आपको लगता है भाई मैं मिस कर दूंगा इस रैली को, तो आप सोच रहे लेना है यार इसको, ले तो नहीं पाया नीचे बॉटम में, पहले तो एक चांस मिस कर गए थे, ये तो हमारे मन में ख्याल है ही सी। यहाँ पे हमको लगा कि यार लेने वाले थे पर लिया नहीं, ये भाग गया, ये ऊपर चला गया। अब आप तैयारी में खड़े हो कि लेना है लेना है, तो ऐसे में जो जरा सा भी डिप आएगा ना 100 पॉइंट का, उतने में आप एंट्री कर जाओगे, और आपकी एंट्री करने के बाद ये नीचे गया तो आपके लेते ही अगर 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो प्रेशर आएगा आएगा, फिर उसको 3-4 दिन बाद वापस रेट पे आएगा तो आप निकलने की बात करोगे। तो हमेशा ऐसा चार्ट देखते हैं तो लोगों को लगता है यहां बेच के यहां पे प्रॉफिट बुक कर लूं, यहां खरीद के यहां पे प्रॉफिट बुक कर लूं, यहां खरीद के यहां पे प्रॉफिट बुक कर लूं। बच्चों का खेल थोड़ी है, आप जो समझ रहे हो ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है, ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है। ये चार्ट देखने में तो हमको ऐसा हलवे जैसा लगता है कि बस ये लिया ये खाया, उल्टा होता है पूरा। तो ब्रेकआउट के पहले ट्रेड करने में हमारा ध्यान इस पे से चला जाता है असली चीज से। अगर आप ये करके और इस पे से ध्यान न हटाओ तो चलेगा।
लेकिन मुझे लगता है कि वैसा होगा नहीं, है ना। तो मैं इंट्राडे की भी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, वो भी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होगी, वो भी हम समझेंगे। लेकिन कुछ भी ऐसे ही कि अभी लग रहा है कि बाइंग है तो बाय कर लेते हैं, सेलिंग है तो सेल कर लेते हैं, ऐसा करने में हम असली मौके के पहले ही थक चुके होते हैं। हम इन दिनों में अपने आप की पूरी कैपिटल, पूरी एनर्जी, जो कुछ भी तैयारी थी सब खत्म कर चुके होते हैं। जब यहाँ मौका आता है और हमको दिखता भी है कि ब्रेकआउट हुआ है, हमारी ताकत नहीं कि हम एक और ट्रेड ले लें, क्योंकि स्टॉप लॉस का पैसा खा चुके, कैपिटल में से पैसा जा चुका है, कैसे ट्रेड करोगे। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे 10,000 रुपया मिले कभी प्रॉफिट का, बाजार की तेजी में सबको मिलेगा, सबको मिलता है, इसीलिए तो बाजार छूटता नहीं है। जब भी आपने सोचा कि यार बंद करता हूँ बकवास है, इससे तो कुछ और कर लो, उसी दिन पैसा मिलता है। बिल्कुल वो बात बोले, बिल्कुल उसी दिन पैसा मिलता है कि आओ ना। तो ये 10,000 जब मिले तो आपको क्या करना है, इसमें से 20% निकाला 2,000 रुपया और उसको अगले 6 दिन का प्रोविजन बना दिया। मतलब 6 दिन के स्टॉप लॉस रोज का 300 से 400 रुपया ये मेरा स्टॉप लॉस का पैसा रहेगा। अब आप ये मत पूछना कि सर क्या पक्का पता है कि रेंज ही आएगी, कभी और भागा तो। आप बस मेरी बात मान के ऐसा करके देखना, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूरा बदल जाएगा। वहां कुछ